हेलीकॉप्टर। एक गांव में रमेश महेश नाम के दो मित्र रहा करते थे। वे बिना कुछ काम करे सिर्फ बाइक पर गांव भर में घुमा करते थे और यूं ही टाइम पास करते रहते थे। रोज लॉटरी के टिकट खरीदना, कोल्ड ड्रिंक पीकर स्टिकर के पीछे कोई प्राइज मिलने की आशा करना, बस यही सब करते रहते थे। एक दिन रमेश की माँ, अरे बच्चों और कितने दिन यूं ही बेकार घूमते रहोगे, और ऐसे हमेशा लॉटरी में कुछ जीतोगे ये उम्मीद में रहना सही नहीं है। माँ, लॉटरी कोई ना तो कोई जीतेगा ही, वो एक भाग्यशाली हम भी तो हो सकते हैं ना, पॉजिटिव सोचो माँ, कहा। एक दिन उन्हें एक हेलीकॉप्टर लॉटरी में मिल ही गया, वो कंपनी वाला। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर महेश एंड रमेश, अब से ये हेलीकॉप्टर आपका हुआ, यू आर सो लकी। थैंक यू सर, लगता है इससे हमारी जिंदगी आखिरकार सेटल हो ही जाएगी। वैसे इसे चलाना हमें नहीं आता, क्या आप इसे घर तक छोड़ सकते हो? सॉरी सर, हम ये नहीं कर सकते। अगर आप चाहो तो एक पायलट को अरेंज करवा सकते हैं, लेकिन वो एक टेढ़ा आदमी है, पता नहीं कितने पैसे मांगेगा। अगर आपको ऐतराजी नहीं है तो बुलाता हूँ। उन्होंने ओके कहा। फिर एक आदमी आकर, हेलो, आई एम संजीव पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट। अगर मैं हेलीकॉप्टर छू भी लिया तो मिनिमम 20,000 लगेंगे, ठीक है तो बताइए। उनके ओके कहने के बाद हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद संजीव को अपने गर्लफ्रेंड का फोन आया। फोन उठाकर संजीव, हेलो बेबी, व्हाट्स अप, ए डांटो मत ना प्लीज, अचानक काम आ गिरा इसीलिए मैं आ गया, इन्हें बस छोड़कर रात को बस पकड़ कर आ जाऊंगा, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या सच में? नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी बात तो सुनो, अरे रुको, ओह शिट, स्टॉप इट, कहकर फोन कट किया। फिर उनसे, सर आपको हेलीकॉप्टर चलाने का कोई अनुभव है क्या? चलाना तो दूर की बात है, हेलीकॉप्टर में बैठना भी अनुभव नहीं है, यही पहली बार हेलीकॉप्टर को देखा है। नो प्रॉब्लम सर, ये देखो, ये है स्टार्ट बटन, इसे दबाने से हेलीकॉप्टर चालू हो जाएगा, और ये स्टॉप बटन, और ये बटन ग्लाइडिंग के लिए काम आता है। इस वॉकी टॉकी से नीचे स्टाफ से बात कर सकते हैं, पेट्रोल है या नहीं इसे देखने से पता चलेगा। क्यों कहने लगा? ये सब हमें क्यों बता रहे हो? चलाने वाले तो तुम हो ना, तुम्हें पता हो तो काफी है ना? नहीं, अब से आप ही चलाएंगे इसे। मैं फिल्म के लिए नहीं गया तो मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ ऊपर से नीचे कूदकर जान देने के लिए तैयार खड़ी है, अगर मैं अभी यहाँ से नहीं कूदा तो वो वहाँ से कूद जाएगी। गुड लक सर, कहकर टक से पैराशूट की मदद से नीचे कूद गया। अरे निकम्मे इंसान, रुको रुको, पहले ही बताए थे कि ये टेढ़ा आदमी है, अब क्या करेंगे। महेश वॉकी टॉकी लेकर, हेलो 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 कंट्रोल टावर, हाँ हेलो हेलो, हमारा पायलट हेलीकॉप्टर से नीचे कूद गया है, प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प, कहा टावर से एक आदमी। हेलो सर, हमारे सर का आज मौन व्रत है, आज किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ इशारे। अरे निकम्मे, अब क्या मौन व्रत, अगर हम बच गए ना तो उसे जरूर आकर मार देंगे, चुपचाप उसे बात करने कहो। क्या है जी, मौन व्रत तक करने नहीं दोगे, आपकी क्या परेशानी है? महेश ने उसे सब बताया। वो ऑफिसर शांति से, आप घबराइए मत, आपके सामने एक येलो बटन नजर आ रहा है, हाँ दिखा, उसे दबा दिया, आगे बताइए। आपको बहुत जल्दबाजी है लगता है, मैं कहने वाला था कि उसे मत दबाना, उसे दबाने से इंजन रुक जाता है, आपको इतना भी नहीं पता? कहा। अरे नालायक, वो हमें कैसे पता चलेगा, और जरा तेजी से बात करना गधे कहीं के। आपको जल्दबाजी के साथ साथ लगता है गुस्सा भी बहुत आता है, ठीक है, आपके सामने कुछ नजर आ रहा है क्या? हाँ हाँ, एक पहाड़ नजर आ रहा है। आप लोग उससे टकराने की सोच रहे हो क्या? बहुत अच्छी तेजी से उसके ओर जा रहे हो। अरे हम वैसे क्यों सोचेंगे रे बेवकूफ, तरस खाकर बता दो कि क्या करना है प्लीज। तो आपको जो हेलीकॉप्टर का हैंडल है ना, अगर उस तरफ घुमाओगे तो वो हेलीकॉप्टर भी साथ में घूमेगा, ट्राई कीजिए, लेकिन जोर से मत घुमाना, आराम से। हेलीकॉप्टर उस पहाड़ से बस टकराने ही वाला था कि महेश ने हैंडल को घुमा दिया। फिर हेलीकॉप्टर पहाड़ को नहीं मारकर बगल से चला गया। फिर टेंशन से वो हैंडल को इधर उधर घुमाने लगा तो वो हैंडल निकल कर हाथ में आ गया। सर हैंडल टूट गया, सर हैंडल टूट गया, अब क्या करें? टूट गया, बहुत खुशी हुई, अब करने के लिए क्या बाकी है, भगवान को याद करते हुए बैठ जाओ, अगर जिंदा बचे तो फिर मिलेंगे। अरे ये कोई नालायक लगता है, हिम्मत करके हम भी इससे कूद पड़ते हैं भाई। फिर दोनों पैराशूट की मदद से नीचे कूद गए।
हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर जल गया। फिर दोनों मिलकर संजीव और ऑफिसर को बहुत पीटे। कैब ड्राइवर। एक बार अरुण लता नाम के पति पत्नी रोड पर कैब का इंतजार कर रहे थे। इतने में उनके सामने एक कैब आकर रुकी। उसमें से ड्राइवर नीचे उतरकर, सर नमस्ते, आई एम ड्राइवर रामजी फ्रॉम ऑलवेज लेट कैब्स, मतलब ALV कैब्स। थैंक यू, चलिए चलिए। एक मिनट, एक कैब में बैठने के पहले आपको कुछ रूल्स जानने होंगे। आपको पीछे की सीट पर ही बैठना होगा। मैं ड्राइविंग सीट पर ही बैठूंगा। अहमदाबाद पहुंचने की तक एक ही बार कार रोकूंगा। वहीं पर आपको टॉयलेट, खाना पीना सब निपटाना होगा। अच्छा ठीक है, देर हो रहा है, हमारी फ्लाइट मिस जाएगी तो परेशानी हो जाएगी। रुकिए रुकिए, आपका नाम, एड्रेस, आधार कार्ड, वोटर आईडी सब दिखाइए, नोट कर लेता हूँ। वो सब आपको क्यों चाहिए? अच्छा सवाल किया। अगर रास्ते पे कहीं एक्सीडेंट हो गया और ऊपर चले गए तो बचाने के लिए जो आए उन्हें आपके पहचान का पता कैसे चलेगा? फिर वे सारी जानकारी उसे दिए। अरे आप दोनों का नाम अरुण लता है, मतलब ALV, मतलब हमारे कंपनी का नाम ही। वेरी गुड, चलो याद है ना, पीछे की सीट पर ही बैठ सकते हूँ। कहा। फिर इस तरह वे सब निकले और गाड़ी बहुत धीरे से जा रही थी। जरा तेज चलाइए ना, अगर हमारी फ्लाइट मिस जाएगी तो परेशान होगी। तेज चलाने से खतरा होता है सर, अगर फ्लाइट मिस हो जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन अगर जान चली गई तो दोबारा मिलेगी क्या? कहकर धीरे से आगे जाते जाते एक जगह पर कार टायर पंचर हो गया। ओ शिट, लगता है कार पंचर हो गई। फिर जल्दी से उतरकर स्टेपनी बदल दीजिए भाई, हमें देर हो रही है। कहा। माफ कीजिए मैडम, मेरा काम सिर्फ ड्राइव करना है, ब्रेकडाउन डिपार्टमेंट अलग है, उन्हें फोन करके बताता हूँ, रुकिए। कहकर फोन लगाकर कार ब्रेकडाउन के बारे में बताया। फिर जाकर एक जगह पर नींद लेने लगा। काफी देर तक किसी के ना आने से घबराकर अरुण, अरे ओ भैया अब तक क्यों कोई नहीं आया, कब आएंगे? फोन लगाकर सिर्फ बताना मेरा कर्तव्य है, मुझे कैसे पता चलेगा वो कब आएंगे? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज वेट। कहकर फिर अपने नींद में चला गया। कुछ देर बाद ब्रेकडाउन वाले आकर टायर स्टेपनी बदल कर चले गए। फिर से कार धीरे से चलने लगी। इसकी वजह से लता, एह चाहिए तो ज्यादा पैसे दे दूंगी, लेकिन कैब तेज चलाओ। मैम पैसों के लिए बिकने वाले में से नहीं हूँ मैडम, आई एम सॉरी। कहा। फिर वो दारू की बोतल निकाल कर दारू पीने लगा। ए क्या दारू पी रहे हो? तब से रूल्स कहकर पुकार रहे थे, पीकर गाड़ी चलाना मना है, ये नहीं पता पी वर्ड का इनका? सॉरी सर, मैं दारू पीकर नहीं चला रहा हूँ, बल्कि पीते हुए चला रहा हूँ। और यू पी वर्ड कहकर नीचे मत गिराओ, हमें टैक्स पेयर्स कहते हैं, हमारी टैक्स बनने से गवर्नमेंट ए ब्रिज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बना पाती है, समझिए सर। कहा। आखिरकार टैक्सी एयरपोर्ट पहुंच गई। हे भगवान, किसी तरह तो पहुंच गई, लेकिन बहुत देर हो गया है। भागते हुए अंदर जाकर पहुंचेंगे तो शायद हमारे लिए फ्लाइट रोकने की संभावना है। भाई कितना चार्ज हुआ जल्दी बताओ। कहा। 450 रुपये सर जी। ये लो 500 रुपये। लता चलो चलो। रुकिए, इतनी जल्दी क्या है, मेरे पास 500 का चुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं भैया, तुम ही रख लो टिप समझ कर। कहकर जाने ही वाला था कि रामजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सर कहा ना, मैं पैसों से बिकने वाले आदमी नहीं हूँ, मुझे 450 से एक रुपया ऊपर नहीं चाहिए। एक काम कीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए, बराबर 450 रुपये। कहा। अबे ओ देर हो रही है, कहते जा रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है क्या, हाथ छोड़ो उनका। कहा। वे इस तरह बहस करने में ही फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ हो गई। वो देखकर अरुण लता गुस्से में उसे बहुत पीटे। सुब्बैया की सफलता। बहुत पहले डोरनकल नाम का एक गांव था, उसमें सुब्बैया नाम का गडरिया रहता था, उसके पास एक गधा भी था।
वो हर रोज उस गधे पर सवार होकर भेड़ चराता हुआ जंगल की ओर जाता था। गधे पर सवार हुआ उसको देखकर लोग हंसते थे। इसमें हंसने वाली क्या बात है, मेरा गधा मेरी मर्जी, कहीं लिखा है क्या कि घोड़े पर ही सवार होना चाहिए, बस दांत बहुत दिखा चुके, जाकर अपना काम करो, कहकर डांटता था। उसे रतौंधी की बीमारी थी, रात होते ही उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था, इसीलिए अंधेरे होने से पहले ही घर पहुंच जाता था। एक बार किसी वजह से देर हो गई और अंधेरा होने के बाद सड़क पर घर लौट रहा था। इतने में एक कार लाइट ऑन करके सामने से आ रही थी। सुबैया उसके सामने रोड पर ही खड़ा हुआ। वो कार ड्राइवर ने बहुत हॉर्न बजाया। जब सुबैया वहाँ से ना हिला तो वो कार से उतर कर सुबैया के पास आकर, क्यों भाई रोड के बीच में खड़े रहोगे तो हम जाएंगे कैसे, हॉर्न बजा रहा हूँ सुनाई नहीं देता, बहरे हो क्या, कैसे पता चलेगा कि वो कार है, मैंने सोचा कि दो बाइक साथ साथ आ रहे हैं, मैंने सोचा उनके गुजर जाने के बाद चलूंगा इसीलिए रुक गया, इसमें मेरी क्या गलती है। दो बाइक, अरे भाई ये कार है, लगता है तुम्हारी अकल रत्ती भर भी नहीं है, चलो हटो। इसी तरह एक दिन भेड़ को लेकर सुबैया जंगल गया, एक पेड़ के नीचे लेटा और गहरी नींद में सो गया। शाम हुई तो गधा और भेड़ घर लौटे, काफी अंधेरा हो चुका था। तभी एक बड़ा शेर वहां आया। तभी नींद से जागा सुबैया, अरे लगता है अंधेरा हो गया, भेड़ घर लौट गए, गधा यहीं खड़ा है, यूं सोचकर शेर पर चढ़कर बैठ गया। चल चल घर चलो, चलो घर, यूं कहने लगा। शेर भी उसके घर की ओर चलने लगा। गांव में लोग उसे और शेर को देखकर डरकर भागने लगे। बाद में शेर पर सवार होकर घर आया, उस शेर को एक खूंटे से बांध दिया। अरे बाप रे, ये क्या, शेर शेर ये क्या है जी, आप शेर को घर लाए, शेर। क्या मैं शेर को घर लाया हूँ, मैं गधा समझकर उसे लाया, अब क्या करें। आप सवेरे महाराज को ये सूचना दे, वो सिपाहियों को इसे जंगल छोड़ने का आदेश देंगे, तब तक इसके पास न जाए। अगले दिन सवेरे शत्रुओं के सैनिकों ने युद्ध करने के लिए आकर वहाँ पे पड़ाव डाला। ये एक सिपाही ने देखकर तुरंत महाराज को इसकी सूचना दी। महामंत्री क्या करें, हम उन पर हमला करें या उन्हें यहाँ आने की प्रतीक्षा करें। जहाँ तक मैं जानता हूँ वे काफी बलवान हैं महाराज, उनकी सेना भी बहुत बड़ी होगी, मेरा अनुमान है कि वो दिन में नहीं रात को हमला करेंगे, उन्हें मानसिक रूप से मात देने की योजना बना रहा हूँ महाराज। इतने में सुब्बैया वहाँ आया। महाराज आपके बातचीत में रुकावट डालने के लिए मुझे क्षमा करें, मुझे रतौंधी की बीमारी है, कल रात को मैं अपना गधा समझकर एक शेर पर सवार होकर घर लौटा, उसे घर पर खूंटे से भी बांध दिया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ उसे जंगल में छोड़ने का प्रबंध करें महाराज, मुझे डर है कहीं वो मुझे खा ना जाए। क्या बात कर रहे हो, क्या ये सच है। हाँ महाराज ये सच कह रहा है, मैंने भी देखा। तभी महामंत्री को एक उपाय सूझा। सुब्बैया तुम्हारी परेशानी मैं समझ गया, तुम्हारे कहे अनुसार शेर को जंगल में छोड़ देते हैं, पर उसके बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। महाराज मेरी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कहिए आज शाम को अंधेरा होते ही तुम्हें सिपाही के वेश में अपने गधे पर सवार होकर जंगल में उत्तर की ओर जाना होगा, जाते हुए किस में है इतना साहस, मैं अकेला ही काफी हूँ, तुम हो तो आ जाओ देख लेते हैं, ऐसे चिल्लाना है ठीक है। सिपाहियों आप लोग जाकर शेर को जंगल में छोड़ाओ। उसके बाद सैनिक के बेस में सिपाहियों के साथ सुब्बैया घर आया। सिपाहियों मैं गधे पर सवार होकर जाता हूँ, आप कृपा करके शेर को ले जाकर जंगल में छोड़ दें, कहकर शेर के पास आकर उस पर सवार होकर तेजी से वहाँ से चला गया। चल 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 कहते हुए जंगल में निडर होकर जाने लगा। शत्रु सैनिक शेर पर सवार सुब्बैया को देखकर कांपने लगे। कौन है जिसमें दम है, मैं अकेला ही काफी हूँ, आओ अगर दम है देख लेते हैं, उन जोर से चिल्लाते हुए जाने लगा। ये देखकर सेनापति, अरे बाप रे, अगर एक सिपाही
शेर पर सवार होकर यूं निडर होकर आ रहा है तो क्या होगा जब सारी सेना हम पर टूट पड़ेगी। भागो, सब भागो यहाँ से, कहकर भागने लगा। सारी सेना वहां से भाग खड़ी हुई। महाराज ने बाद में सुब्बैया को बहुत इनाम भी दिया।